ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। साल 2020 अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां पर दिखाई देगा, इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, साल 2020 काफी उथल पुथल भरा रहा और यह वर्ष अंक शास्त्र के अनुसार राहु का वर्ष था। इस वर्ष में कई प्रकार की विसंगतियां और प्रतिकूल स्थितियां निरंतर चलती रहीं और कई प्रकार के ग्रहण इस वर्ष चलते रहे। साल 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर दिन सोमवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को रात को लगने जा रहा है। इस ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि 5 ग्रहों की युति बनने जा रही है। यह ग्रहण कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि पूर्ण रूप में साइंटिफिक है। और ग्रहों की युति कुछ इस प्रकार है कि सूर्य देव के साथ ऐसे ग्रहों का संयोग है जहां पर सूर्य पीड़ित अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए यह ग्रहण काफी प्रभावी रहने वाला है। इस ग्रहण का जो समय है 14 दिसंबर की शाम 7:54 पर प्रारंभ हो जाएगा शाम को, और रात्र में 12:23 मध्य रात्रि में यह समाप्त होगा, यानी 12 बज गए यानी 15 दिसंबर की रात्रि मध्य में समाप्त होगा। कुल अवधि जो है 5 घंटे की रहने वाली है। यह ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर विशेष परिवर्तन डालने वाला है। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का आगमन वहां पर होगा और राजनीतिक रूप से कई प्रकार के बदलाव और राजनीतिक द्वंद ग्रहण काल के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा। और भारत में इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, ग्रहण काल के पश्चात आपको जरूर राजनीतिक रूप से कई प्रकार के द्वंद देखने के लिए मिलेंगे। ग्रहण काल के ठीक पश्चात सूर्य संक्रांति धनु संक्रांति है, यानी सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ लोग आपको ग्रहण के द्वारा बहुत ज्यादा डराते हैं, ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं है। मेरी नजर में जो ग्रहण होता है जीवन से निगेटिविटी को दूर करके हमें आगे बढ़ने का और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाने का अवसर प्रदान करता है। इस ग्रहण काल का भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक काल नहीं रहेगा। यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रारंभ होगा। इस दिन अमावस्या तिथि सोमवार दिन है, बहुत ही खास दिन है। बुध शुक्र केतु सूर्य और चंद्रमा 5 ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे। गुरु और शनि मकर राशि में ग्रहण काल की समयावधि में मौजूद रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। दक्षिण अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अमेरिका के बहुत सारे भूभाग में, मेक्सिको, सिंगापुर, मलेशिया, सुमात्रा, श्रीलंका और बर्मा में यह ग्रहण दिखाई देगा। आइए जानते हैं इसका कुंभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण लगने के अगले 15 से 45 दिनों में अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के दसम भाव में यह ग्रहण लगने जा रहा है। दसवें भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस समयावधि में कुंभ राशि का काफी ज्यादा मनोबल बढ़ेगा। ग्रहण काल के पश्चात आपके जो अधीनस्थ लोग हैं उनके साथ अच्छी स्थितियों का निर्माण आप कर पाएंगे। साथ में इस समयावधि में 10th हाउस में ग्रहण लगने से जीवन में आप आमदनी के सोर्स में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके द्वारा जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव आप करते हुए नजर आएंगे, तरक्की करते हुए आप नजर आएंगे, व्यापारिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। इस ग्रहण काल के पश्चात वाद विवाद से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपके अंदर उग्रता देखने के लिए मिलेगी, जिससे प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थितियां श्रेष्ठ नहीं है। वाद विवाद की संभावना बन रही है, यहाँ पर आपको समन्वय बनाकर चलना चाहिए। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की बात को भी मानना श्रेष्ठ रहने वाला है क्योंकि इस समयावधि में आप मनमौजी भी हो सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय। तो महर्षि वेदव्यास ऋषि ने कहा है कि जब ग्रहण चल रहा हो, चंद्र ग्रहण हो, उस समयावधि में किए गए उपाय 1,00,000 गुना ज्यादा फलदायी और सूर्य ग्रहण के समयावधि में किए गए उपाय 10,00,000 गुना ज्यादा फलदायी होते हैं। तो जब ग्रहण चल रहा हो तो ओम का जप करना श्रेष्ठ रहने वाला है। आप अपने राशि के स्वामी का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना श्रेष्ठ रहने वाला है क्योंकि गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। मंत्र उच्चारण जब आप करते हैं तो यह मंत्र आप जिस भी इष्ट देव या जिस भी भगवान का आप ध्यान करते हैं उनके द्वारा आप सकारात्मक ऊर्जा, चूंकि आपके अंदर से कंपायमान स्थिति उत्पन्न होती है आपके वाणी के द्वारा और मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को अपने इष्ट देव के द्वारा लाने में समर्थ होता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान जब मंत्र उच्चारण आप करेंगे तो आपके अंदर एक अजीब ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाली चाकू, छुरी एवं अन्य औजार को छूने से ग्रहण काल की समयावधि में बचना चाहिए। कुछ लोग इस ग्रहण को अंधविश्वास मानते हैं। हालांकि इसका सूतक काल नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा भारत में, फिर भी आपको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाद में फिर जब संतान उत्पन्न होता है और उसके अंदर विकृति होती है तो फिर हाथ मलने के अलावा, पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ग्रहण काल जब चल रहा हो तो घर के भोजन को आप समाप्त कर लें ग्रहण काल के पूर्व ही, और यदि भोजन बचा हुआ है तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ग्रहण काल के पश्चात स्नान करना श्रेष्ठ रहने वाला है, और स्नान के ग्रहण काल के पश्चात दान आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दान करने से हमारे पुण्य फल उदय होते हैं, पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए गेहूं, गुड़, चावल, तांबा, सोना, काले तिल का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान करना श्रेष्ठ रहने वाला है, जमीन जायदाद का दान कर सकते हैं। ग्रहण काल के पश्चात गरीब और असहाय व्यक्ति को भर पेट भोजन आप जरूर खिलाएं, इससे आपके पाप कर्म काफी ज्यादा नष्ट होंगे, जीवन में उन्नति देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2020 आपके जीवन में अच्छी स्थितियों को लेकर रहे और यह 15 दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। वर्ष 2021 आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी स्थितियों को लेकर आए और आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।